हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग करेंगे निबंध, ठीक है? और निबंध किसके ऊपर करेंगे? बुलबुल पक्षी के ऊपर। तो बुलबुल पक्षी के ऊपर आज हम लोग 10 लाइन लिखने वाले हैं, ओके? तो आप ये स्टूडेंट्स को भी लिखवा सकते हैं, 10 लाइन्स बच्चों को लिखवानी है आपको बुलबुल के ऊपर। 10 लाइन्स या 5 लाइन्स आप दे सकते हैं, घर से भी दे सकते हैं, क्लास में भी आप लोग लिखवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लाइन हम लिखेंगे, पहले हमें लिखना है बुलबुल क्या है। बुलबुल एक पक्षी है, ठीक है? बुलबुल एक पक्षी है, ठीक है। सेकंड लाइन हम लिखेंगे, बुलबुल की आवाज तेज होती है। क्या लिखेंगे सेकंड लाइन हम? बुलबुल की आवाज तेज होती है, ठीक है? तो आपने सुना होगा ना, जब बुलबुल बोलते तो उसकी बहुत तेज आवाज होती है, ठीक है? अब हम थर्ड लाइन लिखेंगे, बुलबुल के सिर पर क्या होती है? कलगी भी होती है। हम लिखेंगे बुलबुल के सिर पर कलगी भी होती है, ठीक है? बुलबुल की पहचान ही इसी चीज से होती है कि वो उसके सिर पर क्या होती है? कलगी होती है। हम फोर्थ लाइन लिखेंगे, बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह लाल होती है, ठीक है? जो बुलबुल की पूंछ के नीचे वाली जगह होती है वो कैसी होती है? लाल होती है। अब हम फिफ्थ लिखेंगे, बुलबुल को लोगों से डर नहीं लगता है, ठीक है? अब हम सिक्स लाइन लिखेंगे, बुलबुल कीड़े फल व सब्जी खाती है, ठीक है? सेवेंथ हम लिखेंगे, बुलबुल अमरूद के बगीचे व मटर के खेत में जोर से हमला करती है, ठीक है? बुलबुल अमरूद के बगीचे व मटर के खेत में जोर से हमला करती है। अब हम एट लाइन लिखेंगे, बुलबुल का घोंसला कटोरे जैसा
दिखता है। ठीक है, बुलबुल का घोंसला कैसे दिखता है? कटोरे जैसा दिखता है। अब हम इसकी नाइन्थ लाइन लिखेंगे, बुलबुल के अंडे हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। ठीक है, बुलबुल के जो अंडे होते हैं कैसे होते हैं? हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। अब हम 10th लाइन लिखेंगे, बुलबुल की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। बुलबुल जो है वो आप टाइप्स की बुलबुल होती हैं। ठीक है, तो बुलबुल की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो आपको क्या करना है, इन 10 लाइन्स को अपनी हिंदी की नोटबुक में नोट डाउन करना है। ओके, और फिर आपको इनको लर्न करना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए एंड सबके साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।